Are you confused? How to prepare in UPSC? What can be the approach? So, don't get confused. We are here to help you. UPSC Umbrella. तो अभी हमारा नया टॉपिक है बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी के इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड कन्वेंशन कौन कौन से हैं? इसके रिलेटेड बात करेंगे। अभी देखिए, हमने बात किया था कि भाई और तो समिट से कौन कौन से आए। एक तो ट्रिपल सी आया, सीबीडी आया, क्लाइमेट चेंज, डेजर्टिफिकेशन एंड सीबीडी मतलब की बायोलॉजिकल डायवर्सिटी। कहाँ पर से आया भाई? अर्थ समिट से। अभी ये सीबीडी की बात हो रही है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी। क्या है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी? इसमें दो फेज थे। फेज वन टू प्लेस वर्चुअली कुनमिंग में हुआ था, चाइना के कुनमिंग में फेज वन हुआ था इस समिट का, COP50 का। और फेज टू हुआ मॉन्ट्रियल कैनेडा में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है? ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क बनाना और रिप्लेस द आईची बायोडायवर्सिटी टारगेट दैट एक्सपायर्ड इन 2020। आईची बायोडायवर्सिटी टारगेट जो थे, जिसमें 20 टारगेट एंड 5 गोल रखे हुए थे, वो एक्सपायर हो गए 2020 में। तो नए बायोडायवर्सिटी टारगेट को क्रिएट करने के लिए ये फ्रेमवर्क अभी मिला था। ठीक है, एंड ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क एंड इट्स अंडरलाइंग डॉक्यूमेंट आर नॉट लीगली बाइंडिंग। ये सब आईची टारगेट थे, पर अभी जो कुछ भी टारगेट नए आएंगे वो सब लीगली बाइंडिंग नहीं है। देखिए, अभी कुनमिंग और मॉन्ट्रियल ग्लोबल गोल फॉर 2015 गोल क्या है? गोल ये है, हॉल्टिंग ह्यूमन इंड्यूस एक्सटिंक्शन, सस्टेनेबल यूज एंड मैनेजमेंट ऑफ बायोडायवर्सिटी, फेयर शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट, मतलब कि आप यहाँ से कुछ चीज बायोलॉजिकल बायोलॉजी में से ले जा रहे हैं, बायोस्फीयर में से ले जा रहे हैं, एनवायरमेंट में से ले जा रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको इंडिया को पे करना पड़ेगा शेयरिंग। ठीक है, जिस भी कंट्री में से आप लाए उस कंट्री को पे करना पड़ेगा, उसका जो शेयरिंग होता है उस बेनिफिट शेयर करना पड़ेगा। एडिक्वेट मीन्स ऑफ इंप्लीमेंटिंग द ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क। चलिए, अभी मेजर आउटकम क्या है वो इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है कि सीबीडी क्या है। सीबीडी का हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल कनाडा में। ठीक है, इंटरनेशनल लीगली बाइंडिंग मल्टीलेटरल ट्रीटी। देखिए, इसके अंदर जो भी रूल्स आते हैं वो बाइंडिंग नहीं है, याद रखना। इसके अंदर रूल्स आते हैं वो बाइंडिंग नहीं है, पर ये जो ट्रीटी है, ये कन्वेंशन जो है वो क्या है? बाइंडिंग है। रियो अर्थ समिट में से आया, सब मैंने बताया आपको। ऑब्जेक्टिव है कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डायवर्सिटी का कंजर्वेशन। दूसरा है सस्टेनेबल यूज ऑफ कंपोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल डायवर्सिटी का सस्टेनेबल यूज। फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट अराइजिंग आउट फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज। मतलब जेनेटिक रिसोर्सेज का आप यूटिलाइजेशन करते हो तो उसका जो भी बेनिफिट है वो मेन पार्टी, मतलब जो भी मेन पार्टी है उसको शेयर करने की बात की गई है। इंडिया इसकी पार्टी है, इंडिया मेंबर है इसका। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी इज द गवर्निंग बॉडी ऑफ द कन्वेंशन, मीट एवरी टू ईयर मिलेगा। एस थ्री सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट है इसके सीबीडी के। कार्टेजिना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी, बायोसेफ्टी के रिगार्डिंग कार्टेजिना प्रोटोकॉल है। नगोया प्रोटोकॉल है किसके रिगार्डिंग? एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग के लिए। नगोया कहाँ पर है? कुआला लंपुर। सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल नगोया में हुआ था ऑन लायबिलिटी एंड रिड्यूस द कार्टेजिना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली डिक्लेयर द पीरियड 2011 से 2020 टू बी द यूनाइटेड नेशन डिक्लेयर्ड ऑन बायोडायवर्सिटी। 21 से 20, 11 से 20 तक क्या था? यूनाइटेड नेशन डिक्लेयर्ड ऑन बायोडायवर्सिटी। आगे हमने देखा कि 2020 से 2030 तक कौन सा डिक्लेयर्ड है वो बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, पहले हम देख चुके हैं। अभी डिजिटल सीक्वेंसिंग इन्फॉर्मेशन क्या है? डेटा डिराइव फ्रॉम लिंक टू जेनेटिक रिसोर्सेज। जेनेटिक रिसोर्सेज लिंक करके जो डेटा निकाला जाता है वो डिजिटल सीक्वेंसिंग इन्फॉर्मेशन कहते हैं। कौन से आएंगे? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, बायो इन्फॉर्मेशन, सीक्वेंस इन्फॉर्मेशन, नेचुरल इन्फॉर्मेशन, जेनेटिक सीक्वेंस डेटा, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, हेल्प इन डेवलपिंग वैक्सीन, रेगुलेटिंग इन इनवेसिव स्पीसीज, इकोसिस्टम रिसर्च, आइडेंटिफाइंग प्लांट पेस्ट, रिपेयर जीन। ठीक है, अभी इसमें क्या होगा? नेशनली बायोडायवर्सिटी स्ट्रेटजीज एंड एक्शन प्लान बनाए जाएंगे। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट, मल्टीलेटरल मैकेनिज्म फॉर बेनिफिट शेयरिंग। मल्टीलेटरल मैकेनिज्म किया जाएगा बेनिफिट शेयरिंग के लिए फ्रॉम द यूज ऑफ डिजिटल सीक्वेंस इन्फॉर्मेशन और जेनेटिक रिसोर्सेज के डिजिटल सीक्वेंस इन्फॉर्मेशन को यूज करने के लिए। ठीक है, दिस में इंक्लूड इनोवेटिव रेवेन्यू जनरेशन मेजर्स एंड अ ग्लोबल फंड विद इन GBF, ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क। अडॉप्टेशन ऑफ द जेंडर प्लान ऑफ एक्शन। कौन सा प्लान? जेंडर प्लान ऑफ एक्शन को अडॉप्ट करना। ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें देख लो, कुनमिंग और मॉन्ट्रियल 2013 ग्लोबल टारगेट है, उसमें इंपॉर्टेंट क्या है? फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम द यूज ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज एंड फ्रॉम डिजिटल सीक्वेंस इन्फॉर्मेशन एंड एडिशनल नॉलेज ऑन जेनेटिक रिसोर्सेज। नेक्स्ट बेनिफिट शेयरिंग फ्रॉम बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी से जो भी बेनिफिट हो रहा है उसको भी शेयर करने की बात की गई है। इंडिया एंड सीबीडी का क्या लेना देना है? इनेक्टेड द बायोलॉजिकल डायवर्सिटी एक्ट इन 2002 में इनेक्ट किया था। इंडियन लॉ है ये इंटरनेशनल लॉ नहीं है, ये इंडियन लॉ है। बायोलॉजिकल डायवर्सिटी एक्ट इन 2002 इंडिया का लॉ। हाई एम्बिशियस कोलिशन फॉर नेचर एंड पीपल सपोर्टिंग द 30x30 टारगेट, मींस कि 2030 तक हम कवर करेंगे उसको 30x30 टारगेट बोलते हैं। एचएससी फॉर नेचर एंड पीपल, हाई एम्बिशियस कोलिशन फॉर नेचर एंड पीपल, एन इंटरगवर्नमेंटल ग्रुप को चेयर बाय कोस्टारिका एंड फ्रांस एंड बाय द यूनाइटेड किंगडम। वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप क्या है? यूनाइटेड नेशन डिक्लेयर्ड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। क्या है? यूनाइटेड नेशन डिक्लेयर्ड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन 2021 से 2030 हैज बीन डिक्लेयर्ड द यूएन नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। यूनाइटेड नेशन डिक्लेयर्ड इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, अब मैंने आगे आपको बताया कि आप कमेंट सेक्शन में बताइए, यही है यूनाइटेड नेशन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन डिक्लेयर्ड है, उसको डिक्लेयर्ड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन बताया गया है। लेड बाय यूनाइटेड नेशन यूएनईपी एंड द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। क्या है एम इसका? कवरिंग टेरेस्ट्रियल एज वेल एज एक्वाटिक इकोसिस्टम को रिवाइव करना। ठीक है, एम्बडिंग द 10 रिस्टोरेशन प्रिंसिपल ऑफ यूएन डिक्लेयर्ड, जरूरी नहीं है ये 10 प्रिंसिपल दैट
अंडरपिन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, इसका बेसिक आइडिया ले लो हम। ग्लोबल कंट्रीब्यूशन क्या है, ब्रॉड एंगेजमेंट क्लिक करेंगे, मेनी टाइप ऑफ एक्टिविटीज होंगी, बेनिफिट टू नेचर एंड पीपल, एड्रेसेस कॉज ऑफ डिग्रेडेशन, पॉलिसी इंटीग्रेशन, मॉनिटरिंग मैनेजमेंट, लोकल एंड लैंड सीस्केप कॉन्टेक्स्ट, मेजरेबल गोल, नॉलेज एंड इंटीग्रेशन। अभी देखिए ग्रेट ग्रीन वॉल फॉर रिस्टोरेशन एंड पीस के लिए टू रिस्टोर सवाना ग्रासलैंड एंड फार्मलैंड बेल्ट ऑफ अफ्रीका नोन एज साहेल। बेल्ट ऑफ अफ्रीका को क्या बोलते हैं, साहेल बोलते हैं। वहां पर एक बनाई जाने वाली ग्रेट ग्रीन वॉल जीजीडब्ल्यू यूनिपी फाइनेंस इनिशिएटिव के द्वारा इसको फाइनेंस किया जाएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट रिस्टोरेशन बैरोमीटर रिपोर्ट, रिस्टोरेशन बैरोमीटर रिपोर्ट 2022 आईयूसीएन लॉन्चेस फर्स्ट रिस्टोरेशन बैरोमीटर रिपोर्ट। कौन लॉन्च करता है रिस्टोरेशन बैरोमीटर रिपोर्ट, आईयूसीएन लॉन्च करता है। रिस्टोरेशन बैरोमीटर वाज लॉन्च इन 2016 एज अ बॉन चैलेंज बैरोमीटर, बॉन के अंदर ये लॉन्च किया गया था 2016 में, बॉन चैलेंज बैरोमीटर बोला जाता है इसको। ट्रैक रिस्टोरेशन प्रोग्रेस अक्रॉस टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की जो रिस्टोरेशन प्रोग्रेस है उसको ट्रैक करेगा, इंक्लूडिंग कोस्टल एंड इनलैंड वाटर। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की जो रिस्टोरेशन प्रोग्रेस है उसको ट्रैक करेगा, कोस्टल भी होगी उसमें, इनलैंड वाटर की होगी, हाई सीज की नहीं होगी। हाई सीज कौन सा सी, जहां पे 300 नॉटिकल माइल के बाद की जो सी होती है उसको हाई सी बोलते हैं, एज एट इंडिकेटर है उसके, ठीक है। ग्लोबल गोल ट्रैक बाय रिस्टोरेशन बैरोमीटर, द बॉन चैलेंज ट्रैक कर किया जाएगा, द 30x30 टारगेट अंडर द पोस्ट 2020 ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क, पेरिस एग्रीमेंट को ट्रैक किया जाएगा, लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी टारगेट को ट्रैक किया जाएगा, 1 ट्रिलियन ट्रीज को ट्रैक किया जाएगा। अपडेटेड रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटन्ड स्पीशीज, थ्रेटन्ड स्पीशीज की रेड लिस्ट कौन बार पर निकालता है भाई, आईयूसीएन निकालता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, कंजर्वेशन ऑफ नेचर के लिए रेड लिस्ट बार निकालता है। अब ये रेड लिस्ट की कैटेगरीज क्या क्या है, पहली कैटेगरी है एक्सटिंक्ट, दूसरी है थ्रेटन और लिस्ट फंक्शन, ये तीनों मिलाकर टोटल 9 कैटेगरी बनती है। देखिए पहले एक्सटिंक्ट में अंदर एक्सटिंक्ट है, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड है, थ्रेटन है क्रिटिकली एंडेंजर्ड और वल्नरेबल। एक्सटिंक्ट मतलब जो अभी एनवायरमेंट से चली गई, अभी कहीं पर भी उसका वो एक अंश भी बाकी नहीं, एक भी स्पीसीज वहां पे बची नहीं है उस कैटेगरी को, तो उसको एक्सटिंक्ट जाहिर कर दिया जाएगा। एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड मतलब कि नोन ओनली टू सर्वाइव इन कैप्टिविटी कल्टीवेशन और वेल आउटसाइड ऑफ द नेचुरल रेंज, नेचुरल रेंज के अलावा उसको सही से मतलब ह्यूमन के द्वारा उसको सही से ट्रीटमेंट देकर उसको बचाया गया है, उसको एक्सटेंशन इन वाइल्ड बोला जाएगा। क्रिटिकली एंडेंजर की बहुत करीब है एक्सटेंशन के, उसको क्रिटिकली एंडेंजर बोला गया, एंडेंजर है, वल्नरेबल है, नियर थ्रेटन है, लिस्ट कंसर्न और डेटा डेफिशिएंट कैटेगरीज है। अभी डुगम ये स्पीसीज जो भी है वो स्पीसीज को मैं अलग से एक वीडियो में कवर कर दूंगा, अभी आप इसको छोड़ दीजिए क्योंकि बहुत सारा डेटा है, हम स्पीसीज को एक अलग से वीडियो में कवर कर लेंगे, अभी स्पीसीज को थोड़े टाइम के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। स्पीसीज में जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो मैं करा लूंगा। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, ठीक है। तो इसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, इट इज अ लीगल बाइंडिंग एग्रीमेंट, ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर का है। फूड एंड एग्रीकल्चर आ गया तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा होगा, ठीक है, लीगली बाइंडिंग है। रिकॉग्नाइजिंग द इनॉर्मस कंट्रीब्यूशन ऑफ फार्मर को रिकॉग्नाइज किया है, टू प्रोवाइड फार्मर प्लांट ब्रीडर एंड साइंटिस्ट विद एक्सेस टू प्लांट जेनेटिक मटेरियल, प्लांट का जेनेटिक मटेरियल प्रोवाइड करने का फार्मर को, प्लांट ब्रीडर को और साइंटिफिक को इसका गोल है। इंश्योरिंग दैट रेसिपिएंट शेयर बेनिफिट दे डिराइव फ्रॉम द यूज ऑफ दिस जेनेटिक मटेरियल, इंश्योर करना कि बेनिफिट शेयर कर रहा है रेसिपिएंट विद द कंट्रीज वेयर दे हैव बीन और ओरिजिनेटेड, इंडिया इसका मेंबर है। अदर की इंफॉर्मेशन क्या है, ऑल्सो नोन एज सीड ट्रीटी, इसको सीड ट्रीटी भी बोला जाता है, इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज सीड ट्रीटी भी बोला जाता है। प्रोवाइडेड इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क नीडेड फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉलेट इन नॉर्वे, स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉलेट कहां पर है, नॉर्वे में। फंडिंग फॉर द ट्रीटी कम्स फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी में से फंडिंग आएगा ट्रीटी को, फ्रॉम फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन में से। बायोडायवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन बीबीएनजे, बायोडायवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन, तो अबाउट बायोडायवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन ट्रीटी, ट्रीटी ऑफ हाई सीज बोला जाता है, जो नेशनल ज्यूरिसडिक्शन के बाहर होगी, 300 नॉटिकल माइल के बाहर का जो एरिया है वो नेशनल ज्यूरिसडिक्शन के बाहर होगा उसको हाई सीज बोला जाता है। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑन कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ मरीन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी, कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ मरीन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी ऑफ एरियाज बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन अंडर द फ्रेमवर्क 1982 यूनाइटेड कन्वेंशन एंड लॉ ऑफ द सी वाज साइंड, इंडिया पार्टी है इसका, लीगली बाइंडिंग है। एरियाज बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन कंप्राइजेस 95% ऑफ ओशन एंड प्रोवाइड इनवैल्यूएबल इकोलॉजिकल इकोनॉमिक सोशल कल्चरल साइंटिफिक एंड फूड सिक्योरिटी बेनिफिट। यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी डिफाइन वाटर, तो हमें पता है कि ये सी लाइन है, सी है, यहाँ से ये कोस्ट है, ठीक है, तो यहाँ से बेस लाइन से, ये बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक, कितने नॉटिकल, 12 नॉटिकल माइल का जो एरिया उसको टेरिटोरियल सी बोलते हैं, जहाँ पे नेशनल एयर स्पेस होगा, ठीक है। यहाँ पर से किसी फ्लाइट को फ्लाई ओवर करना है तो उससे कंट्री की परमिशन लेनी होगी। दूसरी बात, ये कॉन्टिजियस जोन जो 24 नॉटिकल माइल तक है, ठीक है, बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल तक कॉन्टिजियस जोन है, जो इंटरनेशनल एयर स्पेस है, जहाँ पे कोई भी वेसल आ जा सकता है पर किसी एनी इनसस्पिशियस एक्टिविटी के बगैर, ठीक है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मतलब यहाँ पर 12 से 200 नॉटिकल माइल, कहाँ कितना, 12 से 200 नॉटिकल माइल तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आएगा। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में क्या कवर किया गया है कि यहाँ पे सोल जो कंट्री का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी वो कंट्री यहाँ पर कर सकती है, टैक्सेशन वैक्सेशन सारे लोग यहाँ पर लगा सकती है, ठीक है। और कॉन्टिनेंटल सेल्फ जहाँ पर खत्म होता है वहाँ पे होता है क्या है, हाई सीज, पर यहाँ पे कंट्री का कोई लॉ लागू नहीं होगा, ठीक है। यूएन क्लोज क्या है, इंडिया ऑल्सो स्टेट पार्टी, कॉम्प्रिहेंसिव रिजीम ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन वर्ल्ड्स क्वेश्चन। साइट्स क्या है, तो कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज इन वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा,
Convention on International Trade in Wild Endangered Species, Wild Fauna and Flora. It's also known as the World Wildlife Conference. World Wildlife Conference. कहाँ पर हेल्ड हुई थी? पनामा में. अब साइट्स अपेंडिक्स क्या है? तीन अपेंडिक्स है साइट्स में. अपेंडिक्स 1, 2 and 3. 1 में क्या है? इंक्लूड स्पीसीज थ्रेटन विद एक्सटिंक्शन. जो स्पीसीज एक्सटिंक्शन थ्रेट कर रही है वो इंक्लूड की गई है. अपेंडिक्स 2 के अंदर दैट आर नॉट नेसेसरली नाउ थ्रेटन विद एक्सटिंक्शन बट दे मे बिकम सो अनलेस ट्रेड इज क्लोजली कंट्रोल. तो इसका ट्रेड कंट्रोल किया गया है, याद रखें. ये इसको बैन किया गया है क्योंकि एक्सटिंक्शन के बहुत करीब है थ्रेटन. ठीक है, इसके अंदर थ्रेटन तो नहीं है स्पीसीज पर थ्रेटन होने के बहुत करीब है, तो उसको क्लोजली कंट्रोल किया गया है, उसका ट्रेड कंट्रोल किया गया है. अपेंडिक्स 3 में ऐसी स्पीसीज है कंटेन स्पीसीज दैट आर प्रोटेक्टेड इन एटलीस्ट वन कंट्री विच हैज आस्क्ड अदर साइड्स पार्टीज फॉर असिस्टेंस इन कंट्रोलिंग द ट्रेड. अदर पार्टीज जो एटलीस्ट वन स्पीसीज उसकी क्या है, किसी एक कंट्री में प्रोटेक्टेड है, तो वो अपेंडिक्स 3 में आएगी. तो साइट्स प्रोहिबिट इंटरनेशनल ट्रेड इन अपेंडिक्स 1 के अंदर इंटरनेशनल ट्रेड को प्रोहिबिट किया गया है एक्सेप्ट व्हेन पर्पस ऑफ इंपोर्ट नॉट कमर्शियल. पर्पस होगा मेडिसिन वेडिसिन के लिए, साइंटिफिक रिसर्च के लिए, तो उसको इश्यू किया जाएगा ट्रेड. उसके अलावा साइट्स ने प्रोहिबिट किया गया इंटरनेशनल ट्रेड को किसी स्पीसीज का जो एक्सटिंक्शन पे है. अपेंडिक्स 2 के अंदर सो कॉल्ड लुक अलाइक स्पीसीज, ठीक है, लुक अलाइक स्पीसीज और इंटरनेशनल ट्रेड मे बी ऑथोराइज्ड. ऑथोराइज्ड इन द सेंस कि सर्टिफिकेट के द्वारा उसको परमिट किया जाएगा, कंट्रोल किया गया है क्लोजली. और इंटरनेशनल ट्रेड इज स्पेसिमेन ऑफ स्पेसिमेन स्पीसीज इज अलाउड. अलाउड किया गया अपेंडिक्स 3 के स्पीसीज का इंटरनेशनल ट्रेड. शीशम क्या है? शीशम एक डेसिडियस ट्री है जो 25 से 30 मीटर उसकी हाइट होती है. नेटिव टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड सदर्न ईरान एंड अकर थ्रू आउट सब हिमालयन ट्रैक्ट फ्रॉम रावी टू आसाम. कहाँ पर होता है? सब हिमालयन ट्रैक्ट में, रावी नदी से आसाम तक. इंक्लूडेड अपेंडिक्स 2 ऑफ कन्वेंशन. शीशम को अपेंडिक्स 2 में कन्वर्ट वो किया गया है, इंक्लूड किया गया है. इंडियन रोजवुड फॉर द शीशम ट्री इज यूज्ड टू मेक ड्यूरेबल डार्क रेडिश टेबल बेड बुकशेल्फ्स और चेयर. स्टेट ट्री ऑफ पंजाब. शीशम क्या है? स्टेट ट्री है किसका? पंजाब का, याद रखना. इस पे क्वेश्चन आते हैं. ऑपरेशन टर्ट शील्ड क्या है? बाय वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा ऑपरेशन टर्ट शील्ड जारी किया गया था. किसके द्वारा? WCCB वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा. सी कुकुम्बर इन अपेंडिक्स 2 में है, ठीक है. अभी साइट्स के द्वारा एक प्रोग्राम चलाया जाता है जिसको बोलते हैं मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट माइक प्रोग्राम. जो इलीगल किलिंग होती है एलिफेंट की, उसको मॉनिटर करने के लिए यह प्रोग्राम चलाया जाता है जो साइट्स के अंदर आता है, याद रखना. इंडिया हैज 10 साइट्स पार्टिसिपेटिंग माइक प्रोग्राम. इंडिया के पास 10 साइट है जो माइक प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करती है. अभी देखिए साइट्स क्या है. कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड स्पीसीज एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा. हेडक्वार्टर इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में. जिनेसिस क्या है? तो मीटिंग ऑफ अ मेंबर ऑफ IUCN द वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन. साइट्स में क्या है? एक मीटिंग होती है IUCN के मेंबर की जिसको साइट्स बोला जाता है. ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इंश्योर दैट इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पीसीमेन ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड प्लांट डज नॉट थ्रेटन एंड सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज. स्पीसीज को सर्वाइव करा और इंश्योर करना कि उसका इंटरनेशनल ट्रेड है किसी स्पीसीमेन का वो थ्रेटन ना हो. सेक्रेटरीट कहाँ पे? UNEP में, जिनेवा स्विट्जरलैंड में. इंडिया और इसका मेंबर है. अदर की इन्फॉर्मेशन क्या है? लीगली बाइंडिंग है बट डज नॉट टेक द प्लेस ऑफ नेशनल लॉ. साइट जो है वो लीगली बाइंडिंग है पर नेशनल लॉ की जगह नहीं लेगा. ईच पार्टी हैज अडॉप्ट्स इट्स ओन डोमेस्टिक लेजिस्लेशन. हर पार्टी को खुद का अलग से डोमेस्टिक लेजिस्लेशन अपनाना होगा साइट्स के रिगार्डिंग. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव 5 साइंटिफिक अथॉरिटीज टू असिस्ट साइट्स. साइट्स को असिस्ट करने के लिए इंडिया में 5 ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, अथॉरिटीज. जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक एंड ट्री ब्रीडिंग. ठीक है, इतने इंस्टीट्यूट है. नेक्स्ट है अभी वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्वेशन. कंजर्वेशन के रिगार्डिंग क्या है? द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2022. अभी जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट WPA 2022 ये जो अमेंडमेंट आया है वो हुआ है अमेंडमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा, रीड केयरफुली ईच क्लॉज, मोर इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. क्योंकि क्या हुआ था, पूरा जो भी इसका स्ट्रक्चर था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इसका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का जो स्ट्रक्चर था जिससे इंडिया के बहुत सारे फॉरेस्ट स्पीसीज और वो प्रोटेक्ट थे, उसको पूरा स्ट्रक्चर को चेंज किया गया है इस साल. तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए. अभी देखिए क्या है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2022. ये है एक्ट इंप्लीमेंट द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना. साइट्स को इंक्लूड कर दिया गया है 2022 के एक्ट में, ठीक है. अभी 1972 वाला एक्ट क्या था? प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल बर्ड्स एंड प्लांट्स विद अ व्यू ऑफ इंश्योरिंग द इकोलॉजिकल एनवायरमेंटल सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री. एनवायरमेंटल सिक्योरिटी और इकोलॉजिकल सिक्योरिटी प्रोवाइड करके प्रोटेक्ट किया जाता था वाइल्ड एनिमल बर्ड्स और प्लांट्स को, ठीक है. टू डिक्लेयर प्रोटेक्टेड एरियाज अंडर 4 कैटेगरीज. इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कम्युनिटी रिजर्व और कंजर्वेशन रिजर्व, इनमें से वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन कौन से एक्ट के अंतर्गत आता है? तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर आता है. क्रिएटेड 6 शेड्यूल फॉर स्पेशली प्रोटेक्टेड प्लांट, स्पेशली प्रोटेक्टेड एनिमल के लिए 4 शेड्यूल, वर्मिंग स्पीसीज के लिए 1 शेड्यूल. टोटल 6 शेड्यूल थे पहले 1972 वाले एक्ट में. अभी 2022 में ये 6 में से कितने कर दिए गए? 4 कर दिए गए, वो हम आगे देखेंगे. अभी 1972 में बॉडीज थी जो 1972 के एक्ट के द्वारा एस्टैब्लिश की गई थी. पहली बॉडी नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, सेंट्रल जू अथॉरिटी. ये तीन बॉडी 1972 के अंतर्गत एस्टैब्लिश है. नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, नेशनल जू कंजर्वेशन अथॉरिटी, सेंट्रल जू अथॉरिटी. न्यू चैप्टर 5B फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ साइट्स. साइट्स मैंने बोला आपको कि साइट्स को इंक्लूड कर दिया गया, तो साइट्स को इंक्लूड तो कर दिया. कहां पर इंक्लूड किया? 5B चैप्टर में.
यहाँ पर डिजिग्नेशन किया गया अथॉरिटीज का, कौन डिजिग्नेट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट डिजिग्नेट करेगा, किस किस अथॉरिटी को, मैनेजमेंट अथॉरिटी को, इश्यूएंस ऑफ परमिट एंड सर्टिफिकेट फॉर ट्रेड ऑफ शेड्यूल स्पेसिमेन, जो साइट्स के शेड्यूल में जो स्पीसीज इंस्टॉल वो एडमिट की हुई है उसका मैनेजमेंट अथॉरिटी कौन करेगा, सर्टिफिकेट और परमिट कौन देगा, मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है। नेक्स्ट साइंटिफिक अथॉरिटी, टू एडवाइस मैनेजमेंट अथॉरिटी को एडवाइस देगा रिलेटेड टू इंपैक्ट ऑन द सर्वाइवल ऑफ द स्पेसिमेन बीइंग ट्रेडेड, जो स्पेसिमेन ट्रेड होने वाला है उसके सर्वाइवल के रिगार्डिंग एडवाइस कौन देगा, साइंटिफिक अथॉरिटी। दो अथॉरिटी क्रिएट कर की हुई है, मैनेजमेंट अथॉरिटी, साइंटिफिक अथॉरिटी। आइडेंटिफिकेशन मार्क टू बी यूज्ड बाय एमए फॉर स्पेसिमेन एज पर साइट्स, जो भी स्पेसिमेन ट्रेड किया जा रहा है उसके ऊपर आइडेंटिफिकेशन मार्क लगाया जाएगा किसके द्वारा, मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा। और जो ये मॉडिफिकेशन और रिमूवल ऑफ आइडेंटिफिकेशन मार्क इज प्रोहिबिटेड, आइडेंटिफिकेशन जो मार्क है उसका मॉडिफाई नहीं कर सकते आप, उसको रिमूव नहीं कर सकते, वो प्रोहिबिट किया हुआ है, उसको ऐसा किया तो आप ये इलीगल गिना जाएगा, ठीक है। तो ये खास इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखना, ये क्वेश्चन में पूछ सकता है। नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट टू बी ऑब्टेन बाय पर्सन पजेसिंग लाइव स्पेसिमेन, जो भी लाइव स्पेसिमेन पर्सन पजेस कर रहा है उसके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, पर ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कौन देगा, मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है। ब्रीडर ऑफ स्पीसीज ऑफ अपेंडिक्स 1 ऑफ शेड्यूल 6 शेड्यूल 4 रिक्वायर्ड टू मेक एन एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस टू चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, मतलब कि कोई ऐसा ब्रीडर है किसी स्पीसीज का जो अपेंडिक्स 1 में है शेड्यूल 4 के, ठीक है, शेड्यूल 4 के अपेंडिक्स 1 में है, तो उसको एप्लीकेशन करना पड़ेगा लाइसेंस लेने के लिए किससे, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से। कंडीशन फॉर एक्सपोर्ट इंपोर्ट री एक्सपोर्ट इंट्रोडक्शन फ्रॉम द सी ऑफ शेड्यूल स्पेसिमेन हैव बीन स्पेसिफाइड, ऐसी कंडीशन सब इंपोर्ट एक्सपोर्ट री एक्सपोर्ट की कंडीशन स्पेसिफाई की गई है। अभी मैंने बोला था रेशनलाइजेशन ऑफ शेड्यूल, नंबर पहले थे नंबर ऑफ शेड्यूल फ्रॉम 6 टू 4 कर दिए गए, रिड्यूस कर दिए गए नंबर, जो हमारे लिए अच्छी बात है, पहले याद करने में बहुत दिक्कत होता था, अभी याद करने में इजी रह जाएगा। नया शेड्यूल डाला गया है किसके रिगार्डिंग, साइट्स के रिगार्डिंग नया शेड्यूल डाला गया, रिमूव किया गया है जो वर्मिन का स्पीसीज का जो शेड्यूल था, वर्मिन स्पीसीज का, वाइल्ड एनिमल विल बी डिक्लेयर्ड एज वर्मिन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बाय द वे ऑफ नोटिफिकेशन, अभी ये वर्मिन वाला स्पीसीज शेड्यूल रिमूव कर दिया तो ये रिमूव कर दिया तो अभी वर्मिन कैसे डिक्लेयर होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगी नोटिफिकेशन जाहिर करने के बाद, ठीक है। न्यू शेड्यूल कौन कौन से, शेड्यूल 1 है एनिमल स्पीसीज विद हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन, पहला शेड्यूल, दूसरा शेड्यूल है एनिमल स्पीसीज विद लोअर लेवल ऑफ प्रोटेक्शन, शेड्यूल 3 है प्रोटेक्टेड प्लांट एंड स्पीसीज, शेड्यूल 4 है स्पेसिमेन लिस्टेड इन द अपेंडिक्स अंडर साइट्स, साइट्स के अंदर जो भी है वो आएगा। तो अभी देखिए इसमें एनिमल है शेड्यूल 1 में, शेड्यूल 2 में एनिमल है हायर प्रोटेक्शन लो प्रोटेक्शन, शेड्यूल 3 में कौन है प्लांट और शेड्यूल 4 में कौन आएगा साइट्स आएगा, ठीक है। कंट्रोल ऑफ सेंचुरीज, तो सेंचुरीज का कंट्रोल कौन करेगा, तो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन विल मैनेज एंड प्रोटेक्ट सेंचुरीज, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन होगा जो मैनेज करेगा और प्रोटेक्ट करेगा सेंचुरी को इन अकॉर्डेंस विद द मैनेजमेंट प्लान, मैनेजमेंट प्लान के अकॉर्डिंग, कौन प्रिपेयर करेगा मैनेजमेंट प्लान, सेंट्रल गवर्नमेंट। इन केस ऑफ सेंचुरी फॉलिंग अंडर, अगर सेंचुरी मान लीजिए कि शेड्यूल एरिया में आ रही है अथवा तो एरिया अगर फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 इज एप्लीकेबल, जहां पे फॉरेस्ट राइट एक्ट मतलब ट्राइबल एरिया या शेड्यूल एरिया में आ रही है सेंचुरी, तो वहां पे क्या होगा, द मैनेजमेंट प्लान फॉर सच सेंचुरी प्रिपेयर आफ्टर ड्यू कंसल्टेशन विद ग्राम सभा कंसर्न, जो भी ग्राम सभा होगी वहां की उसका एक व्यू पॉइंट लेने के बाद वहां पे सब मैनेजमेंट किया जाएगा। इंक्रीज पेनल्टी में इंक्रीज किया गया है सिर्फ यही याद रखना है, कितना इंक्रीज हुआ वो इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जेम्प्शन फॉर लाइव एलिफेंट, लाइव एलिफेंट जो है उसको एग्जेम्प्ट किया गया है इस 1972 के 2002 के अमेंडमेंट में। ट्रांसफर और ट्रांसफर ऑफ लाइव एलिफेंट अलाउ फॉर अ रिलीजियस और एनी अदर पर्पस बाय पर्सन हैविंग ओनरशिप सर्टिफिकेट, जिसके पास ओनरशिप सर्टिफिकेट है उसको ट्रांसफर और ट्रांसपोर्ट करने के लिए लाइव एलिफेंट को अलाउ किया गया, डेड एलिफेंट आप अलाउ नहीं कर सकते, याद रखना। एनी पर्सन हैविंग अ सर्टिफिकेट ऑफ ओनरशिप फॉर कैप्टिव एनिमल, कैप्टिव एनिमल के लिए अगर किसी के पास सर्टिफिकेट ऑफ ओनरशिप है और एनिमल प्रोडक्ट वो लेके जा रहा है, कैन वॉलंटरी सरेंडर, उसको खुद के हिसाब से उसको सरेंडर कर देना है, किसको सरेंडर करना है, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को। अगर वो सरेंडर नहीं करता है और जो सरेंडर कर देता है, ठीक है, तो कोई कंपेंसेशन नहीं दिया जाएगा पर्सन को, पर आइटम विल बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो जाएगी जो भी आइटम है वो। परमिट मे बी ग्रांटेड फॉर फिल्म मेकिंग, सेंचुरी के अंदर फिल्म मेकिंग के लिए परमिट दी गई है, जहां पे आप एंटर भी कर सकते हो रिजाइड भी करके कर सकते हो सेंचुरी के अंदर। सर्टेन एक्टिविटीज जैसे कि ग्रेजिंग और मूवमेंट ऑफ लिवलीहुड, लाइव स्टॉक, बोनाफाइड यूज ऑफ ड्रिंकिंग एंड हाउस होल्ड वाटर बाय लोकल कम्युनिटीज अलो विदाउट परमिट इन अ सेंचुरी, मतलब कि सर्टेन एक्टिविटी लोकल कम्युनिटीज के द्वारा जो की जाती है उसके लिए कोई परमिट लेने की जरूरत नहीं है। अदर प्रोविजन क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पावर टू रेगुलेट प्रोहिबिट इंपोर्ट ट्रेड पोजीशन और प्रोलिफरेशन ऑफ इनवेसिव एलियन स्पीसीज, सेंट्रल गवर्नमेंट इनवेसिव एलियन स्पीसीज को रेगुलेट कर सकती है। नो रिन्यूअल ऑफ एनी आर्म लाइसेंस, आर्म लाइसेंस है ना उसका रिन्यूअल नहीं होगा। टू बी ग्रांटेड टू एनी पर्सन रिजाइडिंग 10 किलोमीटर ऑफ द सेंचुरी, 10 किलोमीटर के अंदर जो भी रह रहे हैं उनको आर्म लाइसेंस नहीं दिया जाएगा क्योंकि शिकार विकार का इशू रहता है। एक्सेप्ट किसके पास होगा लाइसेंस, इंटीमेशन टू द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन एंड अथॉरिटीज ऑफिसर। स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ परमिटेड टू कॉन्स्टिट्यूट स्टैंडिंग कमेटी, स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ परमिटेड परमिट किया गया उसको स्टैंडिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए। चीता री इंट्रोडक्शन, हमें पता है कुनो नेशनल पार्क कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, जहाँ पर चीता री इंट्रोडक्शन प्लान चलाया गया है। ये चीता री इंट्रोडक्शन प्लांट है ना, प्लान है ना, प्रोजेक्ट है, वो किसका टाइप है, प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर आता है, याद रखना है प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर आता है। और इसका जो फंडिंग है वो कैंपा से लिया जाएगा, फंड फ्रॉम प्रोजेक्ट टाइगर एंड कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट प्लानिंग एंड अथॉरिटी, ठीक है, कैंपा से लिया जाएगा इसका फंडिंग। चीता डिक्लेयर एक्सटिंक्ट फ्रॉम द इंडिया, अभी देखिए ये याद रखना, द वेरी नेम ऑफ द एनिमल चीता ओरिजिनेट फ्रॉम द संस्कृत मीनिंग द स्पॉटेड वन, केव पेंटिंग डेटिंग बैक टू द नियोलिथिक एज डिपिक्ट द चीता इन गुजरात एंड मध्य प्रदेश, जो गुजरात और मध्य प्रदेश में डिपिक्ट है नियोलिथिक एज की पेंटिंग उसमें से ये लिया गया है वर्ड चीता, जिसका मीनिंग होता है द स्पॉटेड वन, केव पेंटिंग याद रखना, चीता का नाम केव पेंटिंग में से लिया गया है। नोडल एजेंसी कौन सी है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA, आपको ऐसा लगेगा चीता के लिए टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी क्या करेगी, पर वही नोडल एजेंसी है इस प्रोग्राम के लिए। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी बनाया गया है। अफ्रीकन चीता, अफ्रीकन चीता है जो बहुत
और फ्लैगशिप स्पीशीज है, दोनों है ना फ्लैगशिप स्पीशीज है। इससे अच्छा है हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। देखो आफ्रिकन चीता, एशियाटिक चीता, आप देखिए ये चीता बड़ा है या छोटा है, ठीक है, इस पे ज्यादा है वो ब्लैक डॉटेड, ये डॉटेड कम है। आईसीएन स्टेटस क्या है, इसका वल्नरेबल है, इसका क्रिटिकली एंडेंजर है। आईसीएन स्टेटस अपेंडिक्स है, अफ्रीकन का अपेंडिक्स वन में है। साइट्स का स्टेटस, एशियाटिक चीता का अपेंडिक्स वन में, दोनों का अपेंडिक्स में है। डिस्ट्रीब्यूशन ये अफ्रीका में है, ओनली फ्यू लेफ्ट इन ईरान में है, एशियाटिक चीता ईरान में ही है। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, बिगर इन साइज एज कम्पेयर टू एशियाटिक चीता, स्लाइटली बिगर बिल्ड एंड स्टर्डी लेग्स एंड नेक, ठीक है, स्लाइटली स्मॉलर एंड स्लेंडर देन द अफ्रीकन चीता, देयर नेक इज मच स्मॉलर एंड स्लेंडर, ऑल्सो देयर लेग्स आर स्लेंडर। फूड इनटेक, डाइवर्स डाइट ड्यू टू बिगर हैबिटेट के कारण डाइवर्स डाइट है इनकी, लिमिटेड सोर्स ऑफ स्पेशल मीडियम साइज प्रे लाइक चिंकारा गैजल एक्सेट्रा, ठीक है। अभी जो चीता है, लिव इन थ्री मेन सोशल ग्रुप, फीमेल एंड देयर क्यूब कप्स, फीमेल और उनके कप्स में लिव करते हैं, मेल कोलिशन करते हैं और सॉलिटरी मेल्स होते हैं। फीमेल लीड द नॉमेडिक लाइफ, फीमेल लीड करती है, अगर कोई ग्रुप जा रहा है चीता का तो उसमें लीड कौन करेगा, फीमेल लीड करती है। गेस्टेशन पीरियड इनका होता है अबाउट 93 डेज। अमंग लार्ज कार्निवोरस कॉन्फ्लिक्ट विद ह्यूमन इंटरेस्ट आर लोवेस्ट पर चीता, ह्यूमन के साथ इंटरेस्ट चीता का कॉन्फ्लिक्ट बहुत कम है चीता का। लोकल मस्कट नेम चिंटू चीता टू सेंसिटाइज लोकल मस्कट चलाया गया था, चिंटू चीता सेंसिटाइज लोकल को सेंसिटाइज करने के लिए। चीता टास्क फोर्स बनाई गई है इंडिया के अंदर। अभी कुनो नेशनल पार्क, कुनो नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये देखिए मध्य प्रदेश के नॉर्थ में है कुनो नेशनल पार्क। तो ये देखिए नॉर्थ वेस्ट मध्य प्रदेश में कुनो नेशनल पार्क है, इन विंध्यन हिल्स में, ऑन इट्स सदर्न ईस्टर्न साइड पन्ना टाइगर रिजर्व है, थ्रू द शिवपुरी फॉरेस्ट एरिया में। रणथंबोर नेशनल पार्क और कैलाश देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोथ पार्ट ऑफ रणथंबोर टाइगर रिजर्व, अक्रॉस द रिवर चंबल के आसपास है। पेरिनियल, कुनो रिवर वहाँ पे जाती है, पेरिनियल मतलब कि पूरे साल बहती है वो कुनो रिवर। ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है वहाँ पे, ट्री लाइक परदाई सलाई खैर एक्सेट्रा, हर्बीवोरस वहाँ पे होते हैं, सांबर नीलगाय वाइल्ड पिग चिंकारा चौसिंगा ब्लैक बक एक्सेट्रा। कार्निवोरस होते हैं वहाँ पे लेपर्ड स्लोथ बियर स्ट्रीफाइना ग्रे वोल्फ गोल्डन जैकल इंडियन फॉक्स। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट टाइगर, तो प्रोजेक्ट टाइगर के लिए हमारे पास इंपॉर्टेंट डेटा है। अचीवमेंट ऑफ टाइगर कंजर्वेशन इन इंडिया, इंक्रीज द एस्टिमेटेड टाइगर पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, याद रखो 2/2 टारगेट अचीव 4 ईयर इन एडवांस, टी इंटू 2 मतलब टाइगर दो गुना करने की जो टारगेट था टाइगर को दो गुना, वो 4 साल पहले अचीव कर लिया इंडिया ने। और CATS क्या है, कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड, क्या है CATS कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड किया जाता है। ऐसे 14 टारगेट टाइगर रिजर्व को अवॉर्ड किया गया है CATS के एक्रेडिटेशन, ठीक है। अभी इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये देख लीजिए इंटीग्रेटेड टाइगर हैबिटेट कंजर्वेशन प्रोग्राम, क्या इंटीग्रेटेड टाइगर हैबिटेट कंजर्वेशन प्रोग्राम और टाइगर प्रोग्राम इज ग्रांट मेकिंग इनिशिएटिव व्हिच कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम। 12 लार्ज स्केल प्रोजेक्ट इन टाइगर कंजर्वेशन लैंडस्केप अक्रॉस बांग्लादेश भूटान इंडिया इंडोनेशिया नेपाल एंड म्यांमार। कोर बफर स्ट्रेटजी फॉर टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व के लिए कोर और बफर स्ट्रेटजी का उपयोग किया जाएगा, जिसके अंदर कोर मींस को एग्जिस्टेंस, ह्यूमन चीता एट बफर एरिया, बफर एरिया में क्या होगा ह्यूमन और चीता दोनों एक साथ में रह रहे होंगे, को एग्जिस्टेंस होगा। लेकिन कोर एरिया में क्या होगा, नो ह्यूमन एक्टिविटी इन कोर एरिया, कोर एरिया में कोई ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होगी, इसको क्या बोलेंगे कोर बफर स्ट्रेटजी। बफर में दोनों होंगे, प्राणी भी हो सकता है एनिमल भी हो सकता है ह्यूमन भी होगा, ठीक है, लेकिन कोर एरिया में सिर्फ एनिमल होगा, वहां पे ह्यूमन एक्टिविटी प्रोहिबिटेड है। ई बर्ड प्रोजेक्ट क्या है, ई बर्ड प्रोजेक्ट यूजेस अनमैन एरियल व्हीकल फॉर सर्विलेंस एंड मॉनिटरिंग के लिए, अनमैन एरियल व्हीकल का यूज करेंगे। टाइगर प्रोटेक्शन स्टेटस क्या है, IUCN की लिस्ट में एंडेंजर्ड स्पीशीज है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है, वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 में है। इंडियन टाइगर और रॉयल बंगाल टाइगर अ फ्लैगशिप स्पीशीज ऑफ इंडिया, इंडियन टाइगर एंड रॉयल बंगाल टाइगर नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया है, लार्जेस्ट पॉपुलेशन इज इन इंडिया, स्मॉलर ग्रुप इन बांग्लादेश नेपाल भूटान चाइना एंड म्यांमार में है, स्मॉलर ग्रुप सबसे ज्यादा है टाइगर मध्य प्रदेश में, उसके बाद कर्नाटक, उसके बाद उत्तराखंड में, ठीक है। कीस्टोन स्पीशीज है, अम्ब्रेला स्पीशीज भी है, कीस्टोन स्पीशीज मतलब कि ऐसी स्पीशीज जो अगर एक्सटिंक्ट हो जाए किसी प्लेस से तो पूरी की पूरी बायोडायवर्सिटी लॉस हो सकती है वहाँ की, उसको बोलेंगे कीस्टोन स्पीशीज, वेरी इंपॉर्टेंट स्पीशीज, ठीक है। रिसेंटली डिक्लेयर टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व राजस्थान में है, टाइगर कॉरिडोर बनाया गया है वहाँ पर, ठीक है, वहाँ पर रिवर निकलती है मेज ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल रिवर, मेज क्या है चंबल की ट्रिब्यूटरी है। रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, यूपी में है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रोटेक्टेड स्टेटस क्या है उसका, IUCN की लिस्ट में क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, साइट्स में अपेंडिक्स 1 में है, पहला प्रोटेक्शन में शेड्यूल 1 शेड्यूल 4 में है, और इसको स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड किया गया है, स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड किया गया है, किसको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या है, सोन चिड़िया बोला जाता है मध्य प्रदेश में, गोदावन बोला जाता है राजस्थान में, और मालदोक महाराष्ट्र में बोला जाता है, लुक लाइक एन ऑस्ट्रिच के जैसा दिखता है। बस्टर्ड स्पीशीज फाउंड इन इंडिया, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड द लेजर फ्लोरिकन एंड द बंगाल फ्लोरिकन, तीन बस्टर्ड बस्टर्ड फाउंड होते हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड लेजर फ्लोरिकन बंगाल फ्लोरिकन इंडिया के अंदर। कहाँ दिखे जाते हैं, एरिड एंड सेमी एरिड ग्रासलैंड में, अवॉइड इरिगेटेड एरियाज को अवॉइड करते हैं, एंडेमिक टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एंडेमिक है, राजस्थान इज द हाईएस्ट पॉपुलेशन। डेजर्ट नेशनल पार्क सेंचुरी नलिया गुजरात में, वारोरा महाराष्ट्र, बरेली कर्नाटक में दिखे जाते हैं, इंक्लूडेड अंडर नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान के अंदर इंक्लूडेड है। इंडिया 33rd एलिफेंट रिजर्व, एलिफेंट प्रोटेक्शन स्टेटस अपेंडिक्स 1 में है, आईसीएन स्टेटस एंडेंजर है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1 शेड्यूल 4 में है। 13 एलिफेंट रिजर्व इन दुधवा पीलीभीत रीजन इन उत्तर प्रदेश में है, 13 एलिफेंट रिजर्व, 13 एलिफेंट रिजर्व कंजर्व फॉर वाइल्ड स्पीशीज टाइगर एशियन एलिफेंट स्वैम्प डियर वन हॉर्न राइनोसेरस, प्रोजेक्ट एलिफेंट इसका
प्रोजेक्ट एलिफेंट एलिफेंट को कंजर्व करने के लिए है। सबसे ज्यादा एलिफेंट रिजर्व कहाँ पर है? तमिलनाडु में और असम में एक समान है एलिफेंट रिजर्व, उसके बाद केरला, उसके बाद उड़ीसा। सबसे ज्यादा तमिलनाडु और असम में है एलिफेंट रिजर्व, ठीक है। नेक्स्ट कर्नाटक इज द हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट, फॉलो बाय एलिफेंट रिजर्व सबसे ज्यादा तमिलनाडु और असम में, लेकिन एलिफेंट सबसे ज्यादा कहाँ पर है? कर्नाटक में है, फिर असम में और फिर केरला में, याद रखना। इन्वेजिव स्पीसीज, नेक्स्ट इन्वेजिव स्पीसीज जिसमें अभी काजीरंगा नेशनल पार्क हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। लोकेशन क्या है? एज ऑफ द ईस्टर्न हिमालयन बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट काजीरंगा नेशनल पार्क। ब्रह्मपुत्र लाइज ऑन द नॉर्थ, ब्रह्मपुत्र नॉर्थ में है, कर्बी एंगलोंग हिल ऑन द साउथ ऑफ काजीरंगा। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, टाइगर रिजर्व भी है, हाउस है किसके लिए? लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द वन हॉर्न राइनोसोरस इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट पॉपुलेशन वन हॉर्न राइनोसोरस की कहां है? काजीरंगा नेशनल पार्क में। रिवर हमने देखा ब्रह्मपुत्र, पेडीफ्लू, मोरा डीफ्लू, मोरा धनशीरी। ट्रॉपिकल मॉइस्ट ब्रॉडलीफ फॉरेस्ट है वहां पर। फौना एंड फ्लोरा क्या रहेगा? ग्रेट इंडियन राइनोसोरस होगा, टाइगर, लेपर्ड, एलिफेंट, कुंभी, इंडियन गुजरबेरी, वॉटन ट्री, एलिफेंट एप्पल। काजीरंगा नेशनल पार्क की ये लोकेशन देखो, अभी देखो इसमें दिखाया गया हमारे सिर्फ इसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है कि भाई काजीरंगा नेशनल पार्क यहाँ पर है, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आसाम के अंदर जितने भी ऑल और बाकी के वो है नेशनल पार्क वो किस तरह से है। देखिए सबसे पहले वेस्ट में है मानस, फिर पोरांग, फिर नामेरी, फिर काजीरंगा और फिर डिब्रू साइखोवा। तो इसको वेस्ट टू ईस्ट से याद रखना, ये पूछा जा चुका और पूछे भी सकते हैं आगे। मानस, पोरांग, नामेरी, काजीरंगा और डिब्रू साइखोवा, ऐसे याद रखना है और यही अप्रोच होनी चाहिए आपकी कोई चीज पढ़ने की, ठीक है। अभी इको सेंसिटिव जोन, इको सेंसिटिव जोन तो एवरी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट किसको बोलेंगे? इको सेंसिटिव जोन, एवरी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन द कंट्री शुड मैंडेटरीली हैव द मिनिमम 1 किलोमीटर इको सेंसिटिव जोन, ऐसा किसने दिया है स्टेटमेंट? सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। जजमेंट की रिगार्डिंग क्या है? अंडर द तमिलनाडु गोदावरम थिरुम्पलाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के अंदर यह जजमेंट दिया गया है। नो न्यू परमानेंट स्ट्रक्चर विल बी अलाउड विद इन द इको सेंसिटिव जोन, इको सेंसिटिव जोन में कोई नया परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं बनाया जाएगा। माइनिंग विद इन नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क इज नॉट परमिटेड, माइनिंग नेशनल पार्क में और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में परमिटेड नहीं होगी, ठीक है। इन रिस्पेक्ट ऑफ पीए प्रोटेक्टेड एरियाज फॉर विच द प्रपोजल ऑफ स्टेट और यूटी हैज नॉट बीन गिवन, द 10 किलोमीटर बफर जोन एज इकोनॉमिक इको सेंसिटिव जोन शैल बी इंप्लीमेंटेड। 10 किलोमीटर का बफर जोन रखना है इको सेंसिटिव जोन को इंप्लीमेंट करने के लिए। अभी इको सेंसिटिव जोन क्या है? इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट एंड फ्रेजाइल एरियाज अराउंड प्रोटेक्टिव एरियाज डिजाइनेटेड अंडर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ये याद रखना। इको सेंसिटिव जोन किसके अंदर आएगा? ऐसा जोन जो इकोलॉजिकली वेरी इंपॉर्टेंट है, सेंसिटिव है, तो उसको क्या बोलेंगे? इको सेंसिटिव जोन, और ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत आएगा। नोटिफाइड कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई नहीं करेगा इको सेंसिटिव जोन को। इको सेंसिटिव जोन बनाने का एम क्या है? कि शॉक एब्जॉर्बर है फॉर द प्रोटेक्टेड एरिया, प्रोटेक्टेड एरिया के लिए शॉक एब्जॉर्बर है। क्यों? कि बाहर के साइड आएगा इको सेंसिटिव जोन, बाहर के साइड आएगा तो जो भी चेंज होगा वो पहले इको सेंसिटिव जोन में दिखा जाएगा, उसके बाद अंदर प्रोटेक्टेड एरिया में आएगा। एक्ट एज अ ट्रांजिशन जोन फ्रॉम एरियाज रिक्वायरिंग हायर प्रोटेक्शन टू रिक्वायरिंग लेसर प्रोटेक्शन। ट्रांजिशन जोन के रेगुलेट ह्यूमन एक्टिविटीज रेदर देन प्रोहिबिट अराउंड प्रोटेक्टेड एरियाज, रेगुलेट करेगा ह्यूमन एक्टिविटी को, प्रोहिबिट नहीं करेगा, ठीक है। अभी गाड़गिल कमेटी एंड कस्तूरीरंगन कमेटी रिपोर्ट थी वेस्टर्न घाट के रिगार्डिंग, वायलेशन ऑफ द राइट टू लाइफ, ये भी पीवाईक्यू में आया हुआ है, गाड़गिल कमेटी और कस्तूरीरंगन कमेटी वेस्टर्न घाट के रिगार्डिंग थी। वायलेशन ऑफ द राइट टू लाइफ ऑफ द सिटीजन हेलिंग फ्रॉम द वेस्टर्न घाट स्पेशली क्लियर, रेड, ऑरेंज एंड ग्रीन कैटेगरीज ऑफ एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू द पॉल्यूटिंग इफेक्ट, पॉल्यूशन के रिगार्डिंग गाड़गिल कमेटी ने 3 कैटेगरी डाली थी, रेड, ऑरेंज और ग्रीन, ठीक है। नेक्स्ट है बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट। हमने सुना होगा कि इंडिया के अंदर ये बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट है, ये बायोडायवर्सिटी अभी है क्या? तो देखिए अरिटापत्ति एंड मीनाक्षीपुरम विलेज, अरिटापत्ति मीनाक्षीपुरम विलेज इन मदुराई डिस्ट्रिक्ट, इट इज द फर्स्ट बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट इन द स्टेट। तमिलनाडु के अंदर अरिटापत्ति और मीनाक्षीपुरम विलेज को फर्स्ट बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट दिया गया स्टेट के अंदर, तमिलनाडु, पूरे इंडिया में नहीं। बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट क्या है? वेल डिफाइंड एरियाज दैट आर यूनिक इकोलॉजिकल फ्रेगाइल इकोसिस्टम स्प्रेड ओवर टेरिस्ट्रियल कोस्टल एंड इनलैंड एंड मरीन वाटर में स्प्रेड है, हैविंग रिच बायोडायवर्सिटी, जिसकी बायोडायवर्सिटी बहुत ज्यादा है उसको बोलेंगे बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट। नोटिफाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद लोकल बॉडीज, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई किया जाएगा, कंसल्टेशन किसके साथ किया जाएगा? लोकल बॉडीज के साथ। किसके द्वारा? एज पर बायोलॉजिकल डायवर्सिटी एक्ट के अंतर्गत दिया जाएगा। क्रिएशन ऑफ बायोलॉजिकल बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट में नॉट पुट एनी रिस्ट्रिक्शन, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएगा, अदर देन दोस वॉलंटरी डिसाइडेड बाय देम, उसके द्वारा वॉलंटरी डिसाइडेड किए जाएंगे। फ्रेम स्कीम्स फॉर कंपेंसेटिंग और रिहैबिलिटिंग एनी पर्सन अफेक्टेड बाय सच नोटिफिकेशन, स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड बनाए जाएंगे, रिलेवेंट कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन बनाए जाएंगे जो उनकी सलाह से काम करेंगे। 35 बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट्स है इंडिया के अंदर, इंक्लूडिंग माजुली, उनाकोटी, शिलाचरी केव्स, अमरकंटक एक्सेट्रा। फर्स्ट बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट इंडिया की कौन सी थी? नालू टमरिंड ग्रोव इन बेंगलुरु, कर्नाटक में। अभी देखिए अरिटापत्तु बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट क्या है? हाउसेस पनाइकोंडन टैंक बिल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ पांडियन किंग, मेगालिथिक स्ट्रक्चर, रॉक कट टेंपल, तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन, जैन बेड्स एक्सेट्रा। ये रॉक कट टेंपल के बारे में बहुत क्वेश्चन यूपीएससी हिस्ट्री के थ्रू पूछता है, आर्ट एंड कल्चर, याद रखना। अरिटापत्तु बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट अरिटापत्तु विलेज है, वहाँ पे पनाइकोंडन टैंक है जो बिल्ड ड्यूरिंग पांडियन किंग के टाइम में बिल्ड किया गया था। सेवरल स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, लेगर फाल्कन, शाहीन फाल्कन एंड बोनेलिस ईगल, इंडियन पेंगोलिन, स्लेंडर लॉरिस एंड पाइथॉन्स, ठीक है।
अभी नेशनल पार्क जो है वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत डिक्लेयर किया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों डिक्लेयर कर सकते हैं। कोई ह्यूमन एक्टिविटी, सारी ह्यूमन एक्टिविटी प्रोहिबिटेड है, इसके अंदर परमिटेड नहीं है। नो ह्यूमन एक्टिविटीज परमिटेड एक्सेप्ट फॉर वंस परमिटेड बाय द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन आपको परमिट करेगा तभी आप वहां पे जा सकते हो। हाईएस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश में, हाईएस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डब्ल्यूपीए एक्ट 1972 सेम एक्ट है। स्टेट गवर्नमेंट कर सकता है इसको नोटिफाई। सम रिस्ट्रिक्टेड ह्यूमन एक्टिविटीज आर अलाउड, कुछ एक्टिविटी रिस्ट्रिक्ट होगी, उसके अलावा जो कुछ भी है वो अलाउ होगा। हाईएस्ट नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अंडमान निकोबार आइलैंड में है। कम्युनिटी रिजर्व किसको बोलेंगे, वाइल्ड प्रोटेक्टेड एक्ट 1972 के अंतर्गत आएगा, ठीक है, जो कम्युनिटी के द्वारा रिजर्व करके किया जाता है, अथवा तो कंजर्वेशन रिजर्व। नोटिफाइड कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टिंग विद सेंट्रल गवर्नमेंट लोकल कम्युनिटीज। स्टेट गवर्नमेंट इसको नोटिफाइड करेगी किसके साथ, कंसल्टिंग विद सेंट्रल गवर्नमेंट और लोकल कम्युनिटीज के साथ कंसल्ट करके। क्राइटेरिया क्या है, एन इनहैबिटेड एरिया होना चाहिए, एक्ट एज बफर जोन, माइग्रेशन कॉरिडोर होना चाहिए बिटवीन एस्टैब्लिश नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट ऑफ इंडिया के बीच में किया जाएगा ये कंजर्वेशन रिजर्व। पार्ट ऑफ द लैंड इन दिस एरिया आर प्राइवेटली ओन होगी लैंड डेजिग्नेटेड एज कंजर्वेशन एरियाज इफ दे आर अनइनहैबिटेड एंड कंप्लीटली ओन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बट यूज फॉर सब्सिस्टेंस बाय कम्युनिटीज, इसको भी डिक्लेयर किया जा सकता है। टाइगर रिजर्व वाइल्ड प्रोटेक्शन 1972 के अंतर्गत आएगा। कोर और क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट इसके अंतर्गत है। क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट वाइल्ड प्रोटेक्शन 1972 स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाइड करेगा। ऑल्सो नोन एज कोर एरिया ऑफ टाइगर रिजर्व टू बी कैप्टेड इन वायलेट फॉर पर्पज ऑफ टाइगर कंजर्वेशन विदाउट अफेक्टिंग द राइट ऑफ द फॉरेस्ट डवेलर। फॉरेस्ट डवेलर का राइट को अफेक्ट किए बिना किया जाएगा। लार्जेस्ट एरिया अंडर क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट इन इंडिया नागार्जुन सागर सीसलम टाइगर रिजर्व है, ठीक है। अभी बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, एन इंटरनेशनल डिजिग्नेशन बाय यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। टेरेस्ट्रियल मरीन और कोस्टल इकोसिस्टम को दिया जाएगा। डिवाइडेड इनटू कोर बफर एंड ट्रांजिशन जोन को डिवाइड किया गया है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रोटेक्शन, ऑर्डर ऑफ प्रोटेक्शन को डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया जाता है। प्रोटेक्शन मतलब ट्रांजिशन में कम प्रोटेक्शन होगा, बफर में उससे ज्यादा, कोर में सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन होगा। 18 बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया ऑफ विच 30 आर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के पार्ट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बर्ड एरियाज तो आईबीए इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया प्रोग्राम, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल का प्रोग्राम है आईबीए। आईबीए प्रोग्राम जो है इंपॉर्टेंट बर्ड एरियाज, वो किसका प्रोग्राम है, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। ये क्या है, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल एक एनजीओ है, ठीक है, याद रखना। क्राइटेरिया अकॉर्डिंग टू बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, वन और मोर ग्लोबली थ्रेटन्ड बर्ड स्पीशीज होना चाहिए, साइड दैट टुगेदर होल्ड अ शूट ऑफ रेस्ट्रिक्टेड रेंज स्पीशीज और बायोम रेस्ट्रिक्टेड स्पीशीज होनी चाहिए। एक्सेप्शनली लार्ज नंबर ऑफ माइग्रेटरी और कॉन्ग्रेगेटरी बर्ड होनी चाहिए, माइग्रेटरी बर्ड बहुत ज्यादा होनी चाहिए। इंडिया के अंदर इसका पार्टनर कौन है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी एंड बर्ड लाइफ इंटरनेशनल आइडेंटिफाइड 554 आईबीए इन इंडिया। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी वो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल का इंडिया के अंडर पार्टनर है। नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, 7 नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है इंडिया के अंदर। पहली है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कंजर्वेशन एरिया, काजीरंगा नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नंदादेवी वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, सुंदरबन नेशनल पार्क और वेस्टर्न घाट, ठीक है। प्रोटेक्टेड एरियाज इन न्यूज देखिए, काराकोरम नुब्रा शोक कहाँ पर है, लद्दाख में है। चेंगटोंग पोल डिजर्व वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लद्दाख में है। तल छापर ब्लैकबक सेंचुरी राजस्थान में है। सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान में, रणथंभौर टाइगर रिजर्व राजस्थान में, डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान में, मध्य प्रदेश में माधव नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, संजू गांधी नेशनल पार्क महाराष्ट्र में है, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला में है, मुदुमला टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है, कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तमिलनाडु में है, दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है, नेशनल चंबल सेंचुरी कहाँ पर है, राजस्थान मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर, ठीक है। भितरकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा में है, शेफा हिजला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी त्रिपुरा में है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में, इसके ऊपर क्वेश्चन आ गया है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है, शिवालिक एलिफेंट रिजर्व उत्तराखंड में है, ठीक है। ये प्रोटेक्टेड एरिया है, इसको याद रखना है। अभी जो इंपॉर्टेंट है, वाल्मीकि मैंने बोला आ गया है, जो एलिफेंट के लिए है इसको केयर्स का वो दिया गया है स्टेटस टाइगर रिजर्व को। वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है बताइए, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। नेक्स्ट है चैटगांग कोल डिजर्व वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लद्दाख में, इंडिया फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व एट हनले इन लद्दाख, सेटिंग अप ऑफ इंडिया फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व एट हनले इन लद्दाख। लद्दाख में इंडिया का फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व बनाया गया, ठीक है, वो कहाँ पर है, चैटगांग कोल डिजर्व वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे। काराकोरम नुब्रा शोक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लद्दाख में है। काराकोरम सेंचुरी इज होम टू द बैक्टेरियन कैमल, किसका है, बैक्टेरियन कैमल का होम है। बैक्टेरियन कैमल कहाँ पे मिलते हैं, जैसे खराई कैमल पे पीवाई कैमल क्वेश्चन आया हुआ है कच्छ में मिलते हैं, वैसे बैक्टेरियन कैमल कहाँ पे मिलते हैं, काराकोरम नुब्रा शोक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ऑल्सो नोन एज द मंगोलियन कोमल भी बोला जाता है उसको, विच एज टू हम्प, दो हम्प होते हैं उनको, और एच इज ऑल्सो नोन एज सुपर कोल्ड टॉलरेंस होते हैं वो। कम्युनिटी ऑफ डिस्किट इज लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ द सेंचुरी, सेंचुरी का हार्ट में कौन लोकेटेड है, कौन सी कम्युनिटी, डिस्किट। डिस्किट कहाँ पर है, तो लद्दाख में, याद रखना। मध्य प्रदेश में नेशनल चंबल, ठीक है, सेंचुरी ये इंपॉर्टेंट नहीं है सब। कानेरी केव, कानेरी केव कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, बुद्धिस्ट हिस्ट्री से रिलेटेड है कानेरी केव। अभी जो इंपॉर्टेंट है वो चलेंगे। इंडिया हैज लार्जेस्ट हेरोनरी, हेरोनरी मतलब हेरोंस मींस वो क्या होता है, हेरोंस इंग्लिश में बोलते हैं अपन, हेरोंस अ ब्रीडिंग कॉलोनी ऑफ हेरोंस टिपिकली इन अ ग्रुप ऑफ ट्रीज, ग्रुप ऑफ ट्रीज उसको लार्जेस्ट हेरोनरी इंडिया के अंदर है, ठीक है। कहाँ पर है, लाइज इन द एस्चुरी रीजन ऑफ ब्राह्मणी बेतौनी धामरा एंड पाठशाला रिवर, उसके चार रिवर को मर्ज करके वो बनता है। मोठिया और पर्ल स्पीसीज टाइप ऑफ ग्रास इज फाउंड हियर, मोठिया और पर्ल क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ ग्रास फाउंड हियर जो तल छापर ब्लैकबक सेंचुरी में पाया जाता है। तल छापर कहाँ पर है, राजस्थान में, ठीक है। स्पीसीज इन न्यूज में अलग से कवर करूंगा, जो भी इंपॉर्टेंट स्पीसीज है वो।
तो वो हम यहाँ पर नहीं कवर करेंगे, ठीक है। इसको आगे चलते हैं अपन। अभी फॉरेस्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स 2022, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट था 1980 टू एड्रेस डिफॉरेस्टेशन को एड्रेस करने के लिए। टू मेजर अमेंडमेंट उसमें किए गए रिलेटिंग टू डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट। अंडर द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 विल रिप्लेस द फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल 2003। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 को रिप्लेस किया गया 2003 के रूल के रिगार्डिंग। प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग कमिटी बनाई गई, कॉन्स्टिट्यूटेड बाय स्टेट और यूटी के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी, सेंटर के द्वारा नहीं की जाएगी, याद रखना। मीट एटलीस्ट ट्वाइस एवरी मंथ को मीट करेगी एंड एक्सेप्ट प्रपोजल इन्वॉल्विंग फॉरेस्ट लैंड ऑफ 5 हेक्टर। रीजनल एम्पावर्ड कमिटी, रीजनल एम्पावर्ड कमिटी सेटअप बाय सेंट्रल गवर्नमेंट सेटअप करेगा रीजनल, मीट एटलीस्ट ट्वाइस एवरी मंथ फॉर अप्रूवल और रिजेक्शन के लिए, ठीक है। एडवाइजरी कमिटी सेटअप बाय सेंट्रल गवर्नमेंट 6 मेंबर होंगे, मीट एवरी मंथ मिलेगी, एडवाइस विद रिगार्ड टू ग्रांट ऑफ अप्रूवल अंडर वेरियस सेक्शन ऑफ रूल्स, सेक्शन के अंतर्गत ग्रांट देने के लिए। अभी देखिए कैंपा, हमने देखा था कैंपा फंड कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड एक्ट 2016 है। कैंपा फंड के कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन क्या है? कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन रिफर्स टू ए फॉरेस्टेशन दैट रीजनरेशन एक्टिविटीज कैरिड आउट एज अ वे ऑफ कंपेंसेटिंग फॉर फॉरेस्ट लैंड डाइवर्टेड टू नॉन फॉरेस्ट पर्पस। मतलब कि मान लीजिए फॉरेस्ट लैंड पर ऊपर कोई कंपनी आपको बनानी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो फॉरेस्ट लैंड खरीदने के लिए पहले उतनी फॉरेस्ट एरिया जितना आपको नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए अगर आप लैंड ले रहे हो फॉरेस्ट से, तो आपको ऐसा फॉरेस्टेशन और किसी जगह पे विकसित करना पड़ेगा, और किसी एरिया पे आपको फॉरेस्ट बनाना पड़ेगा, उसको बोलेंगे कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन। तो द एक्ट एस्टैब्लिश नेशनल एंड स्टेट फंड फॉर द सेम पर्पस कैंपा एंड सेम्पा, ठीक है, सेम्पा फॉर स्टेट एंड कैंपा फॉर नेशनल। 90% ऑफ ऑल मनी कलेक्टेड फॉर कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन से जो भी 90% मनी आएगी ट्रांसफर की जाएगी कहां पे, स्टेट फंड में, एंड बैलेंस 10% ऑफ नेशनल फंड में जाएगी। द मनी रिसीव इन द नेशनल एंड स्टेट फंड शैल बी एन इंटरेस्ट बियरिंग एंड नॉन लैप्सेबल अंडर पब्लिक अकाउंट। इंटरेस्ट बियरिंग होगी और नॉन लैप्सेबल होगी पब्लिक अकाउंट में। नेशनल एंड स्टेट अथॉरिटी होगी मैनेज एंड यूटिलाइज रिस्पेक्टिव फंड फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट के लिए। प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड इन प्रिंसिपल अप्रूवल, रिकमेंडेशन ऑफ एडवाइजरी कमिटी की जरूरत पड़ेगी। फाइनल अप्रूवल गवर्नमेंट का नोडल ऑफिसर करेगा आफ्टर रिसीप्ट ऑफ इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद। अभी देखिए अबाउट सेंट्रल जू अथॉरिटी, सेंट्रल जू अथॉरिटी वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत डिक्लेयर होती है, हमें पता है। सेंट्रल जू अथॉरिटी में कौन होता है, एक चेयरमैन, 10 मेंबर और एक मेंबर सेक्रेटरी होता है। एवरी जू इन इंडिया नीड सेंट्रल जू अथॉरिटी रिकॉग्निशन, फॉर इट्स ऑपरेशन के लिए रिकॉग्निशन जरूरी है। अभी कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट, कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट क्या है? छत्तीसगढ़ के अंदर ट्राइबल है कांगेर घाटी नेशनल पार्क के अंदर। अभी कांगेर घाटी नेशनल पार्क है, वहां से कौन सी रिवर जाती है, कांगेर रिवर जाती है। कौन सी रिवर जाती है, कांगेर रिवर जाती है, ये देखिए कांगेर रिवर। अभी देखिए कांगेर घाटी नेशनल पार्क बिकम द सेकंड प्रोटेक्टेड एरिया इन द कंट्री आफ्टर सिमलीपाल इन ओडिशा, वेयर कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड। यहां पे कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट रिकॉग्नाइज किए गए, पहले कहां किया गया था, सिमलीपाल ओडिशा में, अभी कहां गया, कांगेर घाटी में छत्तीसगढ़ में। कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट एरिया इज अ कॉमन फॉरेस्ट लैंड दैट हैज बीन ट्रेडिशनली प्रोटेक्टेड एंड कंजर्व फॉर सस्टेनेबल यूज बाय पर्टिकुलर कम्युनिटी। किसी एक कम्युनिटी के द्वारा कोई लैंड को सस्टेन किया गया है, बंद किया गया है, तो वो कहां पर आएगा, कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स में, ठीक है। इंक्लूड फॉरेस्ट ऑफ एनी कैटेगरी के फॉरेस्ट को इंक्लूड किया जाता है। कांगेर घाटी नेशनल पार्क है, तो कांगेर घाटी नेशनल पार्क डिड न्यू रिवर नेम फॉर कांगेर रिवर। थ्री एक्सेप्शनल केव है वहां पे, कुटुंबसार, कैलाश एंड दंडक, कुटुंबसार, कैलाश एंड दंडक विथ स्टैलेगमाइट एंड स्टैलेक्टाइट स्ट्रक्चर। स्टैलेगमाइट और स्टैलेक्टाइट के स्ट्रक्चर कहां पर होते हैं, कास्ट टोपोग्राफी में होते हैं, फॉर्म द फ्लोर हैंग, ठीक है। तीर्थगढ़ वाटरफॉल कहां पर है, यहां पर ही है पार्क में। मिक्स्ड ह्यूमिड डेसिडियस क्लाइमेट है वहां पे, साल सोगम टीक एंड बंबू ट्रीज पाए जाते हैं। फौना और फ्लोरा भी अलग अलग है, बहुत सारे हैं, पढ़ लेना। मोस्ट पॉपुलर स्पीसीज इन दिस एरिया इज बस्तर माइना, स्टेट बर्ड ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट। बस्तर माइना स्टेट बर्ड है छत्तीसगढ़ स्टेट का, विच इज कैपेबल ऑफ इम्यूलेटिंग ह्यूमन वॉइस, ह्यूमन वॉइस निकाल सकता है बस्तर माइना। कहां का स्टेट बर्ड है, छत्तीसगढ़ का। अबाउट कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट, तो शेड्यूल ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर फॉरेस्ट एक्ट 2006 अलाउ द कम्युनिटी टू फॉर्मुलेट रूल्स फॉर फॉरेस्ट यूज बाय इटसेल्फ एंड अदर, गिव द अथॉरिटी टू द ग्राम सभा टू अडॉप्ट लोकल ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। ग्राम सभा और अदर अथॉरिटी को अलाउ किया गया लोकल ट्रेडिशनल प्रैक्टिस फॉलो करने के लिए और मैनेजमेंट के लिए विदिन द कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स बाउंड्री के अंदर। फॉरेस्ट राइट एक्ट प्रोवाइड कम्युनिटी राइट्स एंड सीएफआर राइट रिकॉग्निशन इन ऑल फॉरेस्ट लैंड में, ऑल सभी फॉरेस्ट लैंड में, इंक्लूडिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क के अंतर। अदर फॉरेस्ट रिलेटेड न्यूज, ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट एरियाज, उसमें है पहली है नगर वन स्कीम। नगर वन स्कीम ये जो स्टार्ट किया हुआ है वही मोस्ट इंपॉर्टेंट। नगर वन स्कीम क्या है, ऑन वर्ल्ड क्लाइमेट डे 5 जून को लॉन्च किया गया था टू डेवलप 400 अर्बन फॉरेस्ट, नगर वन, नगर वन मतलब अर्बन फॉरेस्ट एंड 200 नगर वाटिका अक्रॉस द कंट्री। अंडर द स्कीम मिनिमम ऑफ 20 हेक्टर ऑफ फॉरेस्ट विल बी क्रिएटेड इन द सिटी, 20 हेक्टर का फॉरेस्ट क्रिएट किया जाएगा सिटी के अंदर। फॉरेस्ट विल कम अप आइदर ऑन एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट लैंड और एनी अदर वैकेंट लैंड ऑफर्ड बाय अर्बन लोकल बॉडीज। वन उद्यान once established will be maintained by the state government, maintain करेगी, fully funded by the कैंपा के द्वारा, fully funded है। मियावाकी मेथड क्या है, a technique of urban afforestation by creating micro forest over small plot of land devised by Japanese botanist Akira Miyawaki। faster growth of plant होगा, denser than usual होगा, plant denser होगा, faster growth होगा। native trees of region are divided into 4 layer, shrub, sub tree, tree और canopy में divide किया जाएगा, ठीक है। next wetland, coastland and ocean, new Ramsar sites। तो इंडिया के पास अभी total 75 Ramsar sites है। वुहान डिक्लेरेशन क्या है, वुहान डिक्लेरेशन के अंदर COP 40 टू रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड अडॉप्टेड एट वुहान डिक्लेरेशन।
COP40 के अंदर रामसर कन्वेंशन में वुहान डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया गया रिवर्स वेटलैंड लॉस ग्लोबली, वेटलैंड लॉस जो हो रहा है ग्लोबली उसको रिवर्स करने के लिए डिफाइन स्ट्रेटेजिक गोल एंड प्रायोरिटी एरियाज फॉर वेटलैंड इन पार्टनरशिप विद सिविल सोसाइटी स्टेक होल्डर एकेडमिया एंड प्राइवेट सेक्टर से पार्टनरशिप करके। ठीक है, वेटलैंड क्या है? तो एनी लैंड एरिया दैट इज सैचुरेटेड और फ्लडेड विद वाटर आइदर सीजनली और परमानेंटली उसे वेटलैंड किया जा सकता है। वेटलैंड में रामसर के अंतर्गत क्या है? वेटलैंड अकॉर्डिंग टू एस पर द रामसर कन्वेंशन वेटलैंड इंक्लूडेड एरियाज ऑफ मार्स फेन पीटलैंड और वाटर वेदर नेचुरल और आर्टिफिशियल परमानेंट और टेम्पररी विद वाटर दैट इज स्टैटिक और फ्लोइंग फ्रेश ब्रैकिश और सॉल्ट इंक्लूडिंग एरियाज ऑफ मरीन वाटर। ये सब किसमें आएगा? वेटलैंड के अंदर इंक्लूड किया जा सकता है, मतलब सब एरिया आएगा जो वाटर के रिलेटेड है, मार्स है, फैन है, पेटलैंड है, वेदर नेचुरल और आर्टिफिशियल होगा तो भी चलेगा, परमानेंट और टेम्पररी हो तो भी चलेगा। इन कंपैरिजन टू मैनमेड वेटलैंड एरिया इन इंडिया नेचुरल वेटलैंड एरिया है अप्रॉक्सिमेटली 2 times, नेचुरल वेटलैंड एरिया ज्यादा है। अभी रामसर कन्वेंशन क्या है? इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है, इसके अंदर वाइज यूज ऑफ वेटलैंड का कॉन्सेप्ट लाया गया था, इंडिया इसकी पार्टी है, मेंबर है इंडिया रामसर का। अदर की बात करें 6 फॉर्मली रिकॉग्नाइज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो जिसके द्वारा ये काम करता है, 6 ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा काम करता है, कौन कौन से? और ये ऑर्गेनाइजेशन है सभी क्या है? एनजीओज है। ठीक है, वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल हम आगे पहले पढ़ चुके हैं, IUCN हम पढ़ चुके हैं, IWMI इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, वेटलैंड इंटरनेशनल, WWF इंटरनेशनल, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंटरनेशनल, वाइल्ड फॉल एंड वेटलैंड ट्रस्ट, ये 6 आपको याद रखना है। वेटलैंड के अंतर्गत रामसर साइट के अंतर्गत कौन हेल्पफुल है रामसर को? ठीक है, रामसर साइट विच आर पोटेंशियली एट हाई एट रिस्क एज अ रिजल्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, ऐसी रामसर साइट जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के कारण रिस्क पे है, पॉल्यूशन ज्यादा है वहाँ पे, अदर ह्यूमन इंटरफेरेंस के कारण उस पर रिस्क बढ़ रहा है, तो ऐसी रामसर साइट्स को मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में रखा जाएगा। मैंने लेक्चर के स्टार्ट में बोला था मॉन्ट्रियल और मॉन्ट्रियक्स दोनों अलग है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो अर्जेंट डिप्लेटिंग सब्सटेंस के लिए है, ठीक है, और मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड है जहाँ पर रामसर साइट्स को प्लेस किया जा सकता है। सिग्निफिकेंस क्या है वेटलैंड का? तो कार्बन सिंक है, वो हैबिटेट है मैनी स्पीसीज के लिए, नेचर शॉक एब्जॉर्बर है क्योंकि जब फ्लडिंग होता है तब वो शॉक एब्जॉर्बर के तरीके से काम करता है, वाटर स्टोरेज प्रोवाइड करता है, इंटरेस्टिंग कल्चरल और रिक्रिएशनल वैल्यूज है उसके अंदर, क्रिएट लिवलीहुड क्रिएट करता है, किडनीज ऑफ लैंडस्केप बोला जाता है उसको क्योंकि वो वाटर को प्योरीफाई करता है। रामसर वेटलैंड साइट्स इंडिया कौन कौन से कहाँ कहाँ पर है वो बेसिक ख्याल आपको होना चाहिए, वो यहाँ से रिवाइज कर लेना। ठीक है, अभी देखिए 9 क्राइटेरिया है वेटलैंड को इंटरनेशनल इंपोर्टेंस जाहिर करने के लिए, अभी जो इंपॉर्टेंट है वही हम लोग कवर करेंगे। दूसरा है सपोर्ट वल्नरेबल एंडेंजर और क्रिटिकल एंडेंजर स्पीसीज को सपोर्ट करना चाहिए, सपोर्ट पॉपुलेशन ऑफ प्लांट और एनिमल स्पीसीज टू पॉपुलेशन को सपोर्ट करना चाहिए, सपोर्ट प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज एट क्रिटिकल स्टेज इन द लाइफ साइकिल, क्रिटिकल स्टेज वाले जो भी एनिमल और प्लांट स्पीसीज उनको सपोर्ट करना चाहिए, रेफ्यूज प्रोवाइड करना चाहिए रामसर साइट, रेगुलरली 20,000 और मोर वाटर बर्ड स्पीसीज को सपोर्ट करना चाहिए, सपोर्ट 1% ऑफ द इंडिविजुअल इन पॉपुलेशन ऑफ वन स्पीसीज और सब स्पीसीज ऑफ वाटर बर्ड, वाटर बर्ड की जो भी स्पीसीज है उसमें से एटलीस्ट 1% स्पीसीज को वो सपोर्ट करना चाहिए, सपोर्ट अ सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ इंडिजिनियस फिश की जो सब स्पीसीज है उसको सपोर्ट करना चाहिए, इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड फॉर फिशेज, स्पॉनिंग ग्राउंड होना चाहिए, नर्सरी और माइग्रेशन पथ ऑन विच फिश स्टॉक आइदर विद इन द वेटलैंड और एल्सवेयर डिफेंस। अभी जो स्पॉनिंग ग्राउंड है वो स्पॉनिंग ग्राउंड क्या है? जहाँ पे एग देने की जगह होती है, जहाँ पे वेल्स और फिशेज और डुगोंग सब एग देते हैं तो उसको स्पॉनिंग ग्राउंड बोलते हैं। अदर रामसर साइट कौन कौन सी है? चिल्का लेक, जो नंबर ऑफ इरावड़ी डॉल्फिन चिल्का लेक में है, ठीक है, डॉल्फिन इन चिल्का लेक हैज फॉलन, एशिया लार्जेस्ट ब्लैकिश वाटर लेक चिल्का और सेकंड लार्जेस्ट कोस्टल लगून है वर्ल्ड का, कोस्टल लगून है वर्ल्ड का, कोस्टल डॉल्फिन नियर शोर वाटर ऑफ साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में देखने को मिलती है, कोस्टल डॉल्फिन अकर इन मेकोंग महाकम एंड आयरवाड़ी में रिवर में, और कंबोडिया इंडोनेशिया म्यांमार रिस्पेक्टिवली। IUCN स्टेटस है एंडेंजर, किसका? डॉल्फिन का। सुंदरबन वेटलैंड कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन 2011 के द्वारा डेजिग्नेटेड सुंदरबन एज क्रिटिकली वल्नरेबल कोस्टल एरिया डेजिग्नेट किया गया है, एनी डेवलपमेंट रिक्वायर परमिशन ऑफ वेस्ट बंगाल स्टेट कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी, इको टूरिज्म हब एट जरखाली, सुंदरबन वेटलैंड के अंदर जरखाली है जहां पर इको टूरिज्म हब बनाया गया है, सुंदरबन में लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड है, डेल्टा ऑफ द रिवर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र पर, होम टू टाइगर सुंदरबन टाइगर रिजर्व और इरावड़ी डॉल्फिन फिशिंग कैट एक्सेट्रा सुंदरबन में है। लोकतक लेक, लोकतक लेक हमें पता है फ्लोटिंग फोटो एग्जीबिशन एट लोकतक लेक में वहाँ हुआ था। लोकतक लेक क्या है? अ वैली नियर इंफाल है जो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सा है? लोकतक, होस्ट हंड्रेड ऑफ फ्लोटिंग आइलैंड, फ्लोटिंग आइलैंड है वहाँ पर जिसको जो फ्लोटिंग आइलैंड है उसको फुमडीज बोला जाता है, क्या बोला जाता है? फुमडीज, और मल्टीपल प्लांट स्पीसीज है, और केबुल लमजाओ नेशनल पार्क जो है वो वन ऑफ द फ्लोटिंग नेशनल पार्क है वर्ल्ड में से, ठीक है, वर्ल्ड में से वन ऑफ द फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क कौन सा? केबुल लमजाओ नेशनल पार्क, और जो फ्लोटिंग आइलैंड है उसको क्या बोला जाता है? फुमडीज। कहाँ पर है? लोकतक लेक मणिपुर में। लास्ट नेचुरल हैबिटेट ऑफ सांगाई डियर का लास्ट नेचुरल हैबिटेट है, एंडेंजर्ड डियर ऑल्सो नोन एज डांसिंग डियर भी बोला जाता है, होस्ट ऑफ वाटरफॉल और माइग्रेटरी बर्ड्स का होस्ट है, ठीक है। अभी है आइलैंड प्रोटेक्शन जोन, आइलैंड प्रोटेक्शन जोन के अंदर दो ग्रुप है, हमें सिर्फ यही याद रखना है दो ग्रुप है, ग्रुप वन के अंदर जियोग्राफिकल एरिया जिसका 1000 स्क्वायर किलोमीटर से कम है वो आता है, लैंड एरिया ऑफ हाई टाइड लाइन टू 200 मीटर अलोंग द सी फ्रंट के नियर, लैंड एरिया जो 200 मीटर के करीब है वो एरिया आता है ग्रुप वन में, और ग्रुप टू में आता है लैंड एरिया विद हाई टाइड लाइन 200 मीटर, इसमें 200 मीटर है ग्रुप वन में, ग्रुप टू में 100 मीटर, यही याद रखना है। ब्लू फ्लैग बीचेस इंटरनेशनल इको लेबल, ब्लू फ्लैग क्या है? ब्लू फ्लैग है वो इंटरनेशनल इको लेबल है, क्या है? इंटरनेशनल इको लेबल अकॉर्डिंग टू 2 बीचेस, मिनीकोई थुंडी बीच और कड़मट बीच, कहाँ पर है? लक्षद्वीप, दोनों बीच लक्षद्वीप में है, कौन सा? मिनीकोई थुंडी बीच और कड़मट बीच लक्षद्वीप में, उसको ब्लू फ्लैग का इंटरनेशनल इको लेबल दिया गया है। नंबर ऑफ बीचेस सर्टिफाइड अंडर ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन 12, इंडिया के 12 बीचेस ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट में है। अभी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन क्या है?
Denmark based non-profit foundation for environmental education or fee. Environmental education foundation for environmental education मतलब कि fee है, उसके द्वारा blue flag certification दिया जाता है. Awarded to beaches, marinas and sustainable boating tourism operator. Blue flag beaches in India कौन कौन से हैं? शिवरायपुर बीच गुजरात, गोगला बीच दीव, पुडुबिद्री, कशरकोड बीच कर्नाटका, थुंडी बीच एंड कडामट बीच लक्षद्वीप, कापड़ बीच केरला, कोवलम बीच तमिलनाडु, पेडन बीच पुडुचेरी, राधानगर बीच अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, और ऋषि कोंडा बीच आंध्र प्रदेश, गोल्डन बीच ओडिशा में. ये बीच आपको याद रखने पूछ सकता है क्वेश्चन में. अबिडजन कन्वेंशन हुआ था. मरीन एंड कोस्टल एनवायरमेंट ऑफ द अटलांटिक कोस्ट ऑफ द वेस्ट एंड सेंट्रल एंड साउथ अफ्रीकन रीजन के लिए अबिडजन कन्वेंशन हुआ था. कवर मरीन एनवायरमेंट, कोस्टल जोन एंड रिलेटेड इनलैंड वाटर फॉलिंग विद इन वेस्ट एंड सेंट्रल एंड सदर्न अफ्रीकन रीजन में फॉल करता है. अभी ग्रेट बैरियर रीफ क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ हमें पता है कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है? ये ऑस्ट्रेलिया है. ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट पार्ट में, नॉर्थ ईस्ट में पूरा ही ग्रेट बैरियर रीफ वाला पार्ट है, जहाँ पर क्या है, कोरल रीफ्स है सबसे ज्यादा. ठीक है. अभी क्रायोमेस करके अब मेथड ऑफ फ्रीज और स्टोर कोरल लार्वे, कोरल लार्वे को फ्रीज करके स्टोर करने के मेथड को क्या बोलते हैं? क्रायोमेस बोलते हैं. वर्ल्ड लार्जेस्ट बैरियर रीफ है कोरल रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ वर्ल्ड का लार्जेस्ट है. नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इन कोरल सी में, कहाँ पर है ये? ये सब कोरल सी में. ये देखो कोरल सी में वर्ल्ड हेरिटेज एरिया भी है. अबाउट कोरल, कोरल जो है वो इनवर्टिबेट एरिबल है जो ग्रुप ऑफ कलरफुल एनिमल कॉल्स सिंड्रिया का पार्ट है. ग्रेट बैरियर रीफ इज लार्ज इनफ टू बी विजिबल फ्रॉम द स्पेस. जो ग्रेट बैरियर रीफ है जो हम स्पेस से भी देख सकते हैं. ईच कोरल कॉल पॉलिप, ईच कोरल को पॉलिप बोला जाता है. कंटेन माइक्रोस्कोपिक एल्गी, कॉल जू जेंथली को कंटेन करता है और सिम्बायोटिक रिलेशन बनाता है, एक दूसरे पे डिपेंड है. जैसे कि पॉलगी कोरल पॉलिप से एनिमल है जो प्रोवाइड करता है एल्गी को होम, होम प्रोवाइड करता है क्योंकि ये प्लांट है. ठीक है. एंड द एक्सटेंड द एल्गी प्रोवाइड पॉलिप विद फूड दे जनरेट थ्रू फोटोसिंथेसिस. जो एल्गी है वो एक प्लांट है तो वो फोटोसिंथेसिस से फूड जनरेट करती है, तो वो फूड किसको प्रोवाइड करेगी? एनिमल को, मतलब कोरल को. ठीक है. कोरल रीफ इंडिया में कहाँ कहाँ है? गल्फ ऑफ मन्नार, पाक बे, गल्फ ऑफ कच्छ में है, अंडमान निकोबार में है, लक्षद्वीप आइलैंड में है और मालवा महाराष्ट्र में है कोरल रीफ. ठीक है. प्रोटेक्टेड अंडर शेड्यूल वन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972. याद रखना 1972 के शेड्यूल वन में प्रोटेक्ट किया गया है किसको? कोरल रीफ को. दो टाइप होते हैं, हार्ड कोरल और सॉफ्ट कोरल. जो हार्ड होती है उसको हार्ड कोरल बोलते हैं, एक्चुअली सॉफ्ट होती है उसको सॉफ्ट कोरल बोलते हैं. अभी देखिए, आईयूसीएन एंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर हैज रिकमेंडेड दैट द ग्रेट बैरियर रीफ बी इंस्क्राइब ऑन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर. वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर के लिस्ट में डाला जाएगा जीबीआर को. ऐसा अभी बोला है, हुआ नहीं है. डेंजर लिस्ट अलो द वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर टू अलोकेट इमीडिएट असिस्टेंस फ्रॉम द वर्ल्ड हेरिटेज फंड. एक्रोपोरा कोरल, एक्रोपोरा कोरल किसको बोलते हैं? दीज फास्ट ग्रोइंग कोरल आर ऑल्सो मोस्ट ससेप्टेबल टू एनवायरमेंटल प्रेशर. एनवायरमेंटल प्रेशर को सक्सेप्ट कर सकती है उसको एक्रोपोरा कोरल बोलते हैं. ब्लैक कोरल, ब्लैक कोरल लिविंग 2500 फीट बिलो सरफेस. जो ब्लैक कोरल ऐसी कोरल का जिसके ऊपर सनलाइट नहीं आती है. ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड एट ऑल डेप्थ, हर डेप्थ पे है ऑल ओवर द वर्ल्ड में, दे आर नोन एज द डीप सी कोरल बोलते हैं उसको. वेरी इन कलर, फिल्टर फीडर एंड ईट टाइनी ज़ूप्लैंकटन को. एज़ू जेंथली कोरल, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रिकॉर्डेड फोर स्पीसीज ऑफ एज़ू जेंथली कोरल फ्रॉम वाटर ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में से मिली है. प्रीवियसली फाउंड फ्रॉम जापान, फिलीपींस और ऑस्ट्रेलिया वाटर से मिली है. एज़ू जेंथली कोरल आर अ ग्रुप ऑफ कोरल दैट डू नॉट कंटेन जू जेंथली, जिसमें जू जेंथली नहीं होती. दे आर न्यूट्रिशमेंट नॉट फ्रॉम द सन बट फ्रॉम कैप्चरिंग डिफरेंट फॉर्म ऑफ प्लैंकटन से. डीप सी रिप्रेजेंटेटिव अकरेंस आर ऑल्सो रिपोर्टेड फ्रॉम शैलो कोस्टल जोन वाटर से मिलता है इसका अकरेंस. अदर बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड इनिशिएटिव कौन कौन से हैं? चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड. चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड क्या है? एनुअली अवार्ड किया जाता है. यूएन का हाईएस्ट एनवायरनमेंट ऑनर है. रिकॉग्नाइज आउटस्टैंडिंग लीडर फ्रॉम द गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी और प्राइवेट सेक्टर में से रिकॉग्नाइज किया जाता है जो एनवायरनमेंट में सबसे ज्यादा योगदान है, जिसका ऑनर इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन को ऑनर किया जाता है. ओरन लैंड किसे बोलेंगे? राजस्थान में है ओरन लैंड, रेजिडेंट फ्रॉम जैसलमेर राजस्थान में. ओरन आर सेक्रेड स्पेस, सेक्रेड स्पेस है विच आर रीच इन बायोडाइवर्सिटी एंड यूजुअली इंक्लूड वाटर बॉडी. रिच है बायोडाइवर्सिटी में और वाटर बॉडी को इंक्लूड करता है उसको ओरन बोलेंगे. हैबिटेट ऑफ द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, डेजर्ट कैट एक्सेट्रा. Species where herders take their livestock for grazing and are places for communal congregation, festival and other social events. तो उसको ओरांस बोलेंगे. अभी रिपोर्ट और इंडिसेस जो भी है वो हम उसमें कवर करेंगे नए वीडियो में. अभी ये देखिए लीजिए, इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विस हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बॉन जर्मनी में. टू स्ट्रेंथन साइंटिफिक पॉलिसी इंटरफेस फॉर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी. मेंबर कौन है? इंडिया मेंबर है इसका. नॉट अ यूनाइटेड नेशन बॉडी नहीं है, यूएन की बॉडी नहीं है. इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज यूएन की बॉडी नहीं है. पहली बात ये, यूएन भी प्रोवाइड सेक्रेटरी सर्विस टू आईपीडीएस. ऑल स्टेट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन एंड एलिजिबल फॉर आईपीडीएस मेंबरशिप. अभी देखिए, ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस. ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस क्या है? स्टेट ऑफ मैंग्रोव 2022 रिपोर्ट रिलीज कौन करता है? ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस. ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस क्या है? वर्ल्ड ओशन समिट हुई थी बाय कंजर्वेशन इंटरनेशनल, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर आईयूसीएन और टीएनसी और वेटलैंड इंटरनेशनल और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड डब्ल्यूडब्ल्यूएफ, इन लोगों के द्वारा वर्ल्ड ओशन समिट हुई थी जिसके अंतर्गत ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस बनाया गया था. ऑब्जेक्टिव क्या था? सपोर्ट एंड रिसर्च एडवोकेसी एजुकेशन एंड प्रैक्टिस प्रोजेक्ट ऑन द ग्राउंड विद लोकल एंड कम्युनिटी पार्टनर विद फोकस थ्री एरियाज, वाल्टिंग मैंग्रोव लॉस, इंप्लीमेंटिंग साइंस बेस्ड रिस्टोरेशन, बिल्डिंग अवेयरनेस. मेंबरशिप मोर देन 30 ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंतर्गत ऑब्जेक्टिव अदर की इन्फॉर्मेशन क्या है? अ नंबर ऑफ इनिशिएटिव फॉर मैंग्रोव, मैंग्रोव फॉर द फ्यूचर किसका प्रोग्राम है? ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस, मैंग्रोव फॉर द फ्यूचर. टू प्रमोट इन्वेस्टमेंट इन कोस्टल इकोसिस्टम मैंग्रोव फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉर द फ्यूचर कवर बांग्लादेश, कंबोडिया, इंडिया, इंडोनेशिया, मालदीव, म्यांमार, पाकिस्तान, सीशेल्स, श्रीलंका, थाईलैंड और वियतनाम. लिविंग प्लैनेट इंडेक्स क्या है? लिविंग प्लैनेट इंडेक्स वर्ल्ड्स बायोलॉजिकल डायवर्सिटी बेस्ड ऑन पॉपुलेशन ट्रेंड ऑफ वर्टिब्रेट स्पीशीज.
from terrestrial freshwater or marine habitat. Terrestrial freshwater or marine habitat, conscious species, vertebrate species, adopted by the conservation of biological diversity के द्वारा adopted किया गया, ठीक है?